संडा मरका जाई पुकारे, पड़े नहीं हम ही पंच हारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सभ्य बिगारे। राम नामा जपी वो करे, हृदय हर जी को सिमरण धरे। रहाऊ वसुधा बस किन्नी सब राजे, बिनती करे पट रानी। पूत पहलाद कहिया नहीं माने, तिन तव औरे ठाणी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, कर सह औद घनेरी। गिर तर जल ज्वाला भय राखियो, राजा राम माया फेरी। काड खड़ंग काल भय कोपियो, मोह बताऊ जह तुह राखे। पीत पिताम्बर त्रिभावन धनी, थम मा हर भाखे। हर ना खस जिन नखह विदारियो, सुर नर किए सनाथा। कह नाम देव हम नर हर ध्याव है, राम अभे पद दाता। पहलाद के अध्यापकों षड एवं अमरक ने, देते राज हिरण कश्यपु के पास जाकर शिकायत की कि पहलाद बिल्कुल नहीं पढ़ता। हम हर कोशिश करके हार गए हैं, वह ताल बजाकर राम नाम जपता रहता है। इस प्रकार इसने सब विद्यार्थी बिगाड़ दिए हैं। वह हर वक्त राम नाम जपता रहता है और हृदय में हरि का ही स्मरण करता है। पट रानी माँ ने विनय पूर्वक कहा, राजा हिरण्यकश्यपु ने समूची पृथ्वी को वश में किया हुआ है। एक पुत्र पहलाद ही आज्ञा नहीं मानता, और मन में उसने तो कुछ अन्य ही ठान रखा है। दुष्टों की सभा में यह सलाह की गई कि पहलाद को मौत के घाट उतार दिया जाए। चाहे पहाड़ से गिराया गया, समुन्द्र में डुबाने की कोशिश की, अग्नि में जलाया जाने लगा, मगर ईश्वर की माया ने भक्त पहलाद को बचा लिया। फिर खड़ंग निकाल कर मौत रूप में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे बता तेरी रक्षा करने वाला कौन एवं कहाँ है। पहलाद जी ने उत्तर दिया, तीनों लोकों का मालिक पीताम्बर श्री हरि इस खम्बे में भी है। तभी हरि जी ने खम्बे में से निकलकर दुष्ट हिरण्यकश्यपु को नाखूनों से फाड़कर मौत की नींद सुला दिया और देवताओं व मनुष्यों का संरक्षण किया। नामदेव जी कहते हैं कि हम नरसिंह हरि का ध्यान करते हैं और वही अभय पद देने वाला है। सुल्तान पूछे सुन बैन नामा, देखो राम तुम्हारे कामा। नामा सुल्ताने बांधीला, देखो तेरा हर बिठूला। रहाऊ विस्मिल गौ देह जिवाई, नातर गर्दन मारो उठाई। बादशाह ऐसी क्यों होई, विस्मिल किया न जीवे कोई। मेरा किया कछु न होई, कर हे राम होई है सोई। बादशाह चढ़ो अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार। रुदन करे नामे की माई, छोड़ राम की ना भजे खुदाई। ना हो तेरा पूगड़ा, ना तू मेरी माई। पिंड पड़े तव हर गुण गाई, करे गजिंद सुंड की चोट। नामा उबरे हर की ओट, काजी मुल्ला करह सलाम। इन हिंदू मेरा मलया मान, बादशाह बेंती सुने है। नामे सर भर सोना लह, माल लेऊ तव दोजक परऊ। दीन छोड़ दुनिया कौ भरऊ। पावह बेड़ी हाथ है ताल, नामा गावे गुण गोपाल। गंग जमुन जव उल्टी बहे, तव नामा हर करता रहे। सात घड़ी जब बीती सुनी, अज है न आयो त्रिभवन धनी। सुल्तान मुहम्मद बीन तुगलक ने पूछा, अबे नामदेव मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा राम क्या करामात करता है। फिर सुल्तान ने नामदेव को सिपाहियों द्वारा बांध लिया और बोला, देखना चाहता हूँ कि तेरा ईश्वर क्या चमत्कार करता है। रहाऊ
अगर अपना भला चाहते हो तो मृत गाय को जीवित कर दो, अन्यथा गर्दन उड़ाकर मार डालूंगा। नामदेव जी ने कहा, हे बादशाह, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार मरा हुआ कोई जीव दोबारा जिंदा नहीं होता। मेरे करने से तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जो राम करता है वही होता है और होगा। यह सुनकर बादशाह अहंकार में आग बबूला हो गया और हाथी को नामदेव पर छोड़ दिया। फिर नामदेव की माता रोते हुए कहने लगी, तू राम को छोड़कर खुदा की बंदगी क्यों नहीं करता? यह सुनकर नामदेव जी ने प्रत्युत्तर दिया, अरे माई, ना मैं तेरा पुत्र हूँ और ना ही तू मेरी माता है। यदि मेरे शरीर को नष्ट कर दिया जाए तो भी परमात्मा का यशोगान करूंगा। तब हाथी ने नामदेव पर सूंड से चोट की, पर ईश्वर जी ने नामदेव को बचा लिया। बादशाह हैरान होकर बोला, काजी मुल्ला सभी मुझे सलाम करते हैं, मगर इस हिंदू ने तो मेरा अभिमान चकनाचूर कर दिया। लोगों ने कहा, हे बादशाह हजूर, आपसे हमारी विनती है कि नामदेव के वजन जितना सोना ले लो और इसे प्राण दान दे दो। यह सुनकर बादशाह ने कहा, अगर रिश्वत के तौर पर मैं धन लेता हूँ तो नरक में पड़ूंगा। धर्म को छोड़ने वाला दुनिया में बदनामी ही पाता है। नामदेव के पांव में बेड़ी थी, फिर भी वह हाथ से ताल बजाकर ईश्वर के गुण गाने लग गया। नामदेव ने निर्भीक होकर कहा, यदि गंगा यमुना उल्टी दिशा में बहने लगेगी तो भी ईश्वर की प्रशंसा करता रहूंगा। जब 7 घड़ियां बीत जाने की ध्वनि सुनाई दी तो भी तीनों लोकों का मालिक परमात्मा नहीं आया। पाखंतन बाज बजाई, गरुड़ चढ़े गोविंद आई, अपने भक्त पर की प्रतिपाल, गरुड़ चढ़े आए गोपाल। कहता धरण एकोड़ी करूं, कहता लेकर ऊपर धरूं, कहता मुई गऊ देव जियाई, सब कोई देखे पति आई। नामा प्रणवे सेल मसेल, गऊ दुहाई बछरा मेल, दूध है दूह जब मटकी भरी, ले बादशाह के आगे धरी। बादशाह महल मह जाई, औ घट की घट लागी आई, काजी मुल्ला बिनती फरमाई, बक्सी हिंदू मैं तेरी गाई। नामा कहे सुनह बादशाह, एह किछ पतियां मुझे दिखाई, इस पतियां का एह परवान, साच सील चालह सुलितान। नाम देव सब रहया समाई, मिल हिंदू सब नामे पह जाह, जो अब की बार न जीवे गाई, ता नाम देव का पतिया जाई। नामे की कीरत रही संसार, भक्त जनाले उधरिया पार, सगल कलेश निंदक भया खेद, नामे नारायण नाही भेद। तभी पंखों का वाद्य बजाते हुए गरुड़ पर सवार भगवान श्री हरि जी आ पहुँचे। अपने भक्त का प्रतिपालन किया और गरुड़ पर सवार होकर भगवान आ गए। भगवान जी ने नामदेव जी से कहा, अगर तू कहे तो धरती को उल्टी कर दूं, अगर कहे तो धरती को ऊपर उल्टा लटका दूं, अगर तू कहे तो मृत गाय को जीवित कर दूं, ताकि हर कोई देख कर विश्वास करने लगे। भगवान जी ने मृत गाय को जीवित कर दिया और भक्त की रक्षा की। नामदेव जी ने कहा, गाय को दुहने के लिए टांगों पर रस्सी बांध दो, एवं बछड़े को छोड़कर गाय दुहन कर ली जाए। जब दूध दुहन करके मटकी भर दी गई तो उसे बादशाह के आगे पेश कर दिया। यह करिश्मा देखकर बादशाह अपने महल में चला गया और उसी समय बीमार पड़ गया।